स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर भाई गुरु। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं दोस्तों। ये एक्टिवा बाइक है, ठीक है। ये एक्टिवा बाइक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कंप्रेसर कम हो जाता है और बाइक स्टार्ट नहीं लेता है। करंट है, पेट्रोल है, उसके बावजूद भी बाइक स्टार्ट नहीं लेता है। तो रीज़न क्या है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, किस कारण से कंप्रेसर लो होता है और क्यों लो होता है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ये जो हेड है ये मैंने काम कर लिया है, एग्जॉस्ट वाल्व और इग्नोल वाल्व, ये दोनों वाल्व का काम क्या है, ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन देना। तो ये जो वाल्व होता है पूरा इसे लॉक रहता है, जब कोई इसके अंदर कचरा चल जाता है तो क्या होता है, कंप्रेसर लो हो जाता है। कचरा क्यों आता है मैं इसका कारण भी बताऊंगा, इसका रीज़न भी बताऊंगा दोस्तों। ये है लाइनर पिस्टन, ठीक है, ये लाइनर पिस्टन इंजन, इस तरह से पिस्टन हाई लो होता है, ठीक है। तो ये जो लाइनर है यहाँ कंप्रेसर चालू होता है, जैसे कि कंप्रेसर होता है कंप्रेसर के बारे में कुछ बातें कर लेता हूँ। ये जब पिस्टन अंदर जाता है तो हवा को ले जाता है, एयर को ले जाता है अपने साथ। जब ऐसे करके आता है पिस्टन, जब ऊपर आ जाता है तो कंप्रेसर इतना टाइट हो जाता है। टाइट होने के बाद ये जब पिस्टन ऊपर आता है ये वाल्व थोड़ा खुल जाता है, ये एग्जॉस्ट वाल्व खुलने के बाद हवा छोड़ देता है। और जब नीचे जाता है तो एग्जॉस्ट वाल्व जो इग्नोर वाल्व जो है वो हवा लेता है, यार लेने के बाद यहाँ से देता है, उसके बाद यहाँ घुस जाता है। तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा। जो बाइक स्कूटी का अगर एयर फिल्टर ख़राब हो जाएगा तो पेट्रोल ज़्यादा खाएगा और उसके कारण काला जो पॉल्यूशन है, काला धुआं जो होता है वो निकलता है। आहिस्ते आहिस्ते करके पूरा कार्बन बैठ जाता है पिस्टन के ऊपर और वाल्व के यहाँ। तो ये कार्बन बैठने के बाद इसके अंदर वाल्व के नीचे में जो वाल्व का जो लैबलेशन होता है उसमें चल जाता है कचरा। कचरा जाने के बाद कंप्रेसर मेंटेनेंस ठीक नहीं कर सकता है, इसका कारण बाइक स्टार्ट नहीं लेता है। तो ये एयर फिल्टर का कारण भी कंप्रेसर डाउन हो जाता है, तेल आहिस्ते आहिस्ते करके ज़्यादा खाएगा। और दो नंबर बाद अगर पिस्टन रिंग जो है ख़राब हो जाएगा उसका कारण भी बाइक कंप्रेसर कम हो जाएगा, क्योंकि जब कंप्रेसर रिंग वाइल रिंग जो होती है लाइनर सिलेंडर किट पर तो वाइल खाने के लिए चालू हो जाता है, जैसे कि सादा धुआं मारता है और पॉल्यूशन निकलता है सादा। तो क्यों होता है, इसका अंदर जो पिस्टन रिंग होती है वो ख़राब हो जाता है और पॉल्यूशन आने के लिए चालू हो जाता है। और यहाँ आने के बाद थोड़ा इंजन ऑयल चला जाता है, आने के बाद कचरा वचरा यहाँ फंस जाता है और पूरा कंप्रेसर कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर स्कूटी बाइक आपके पास हो, पेट्रोल ठीक है, करंट ठीक है, लेकिन स्टार्ट नहीं होता है तो इसका रीज़न है यही, जो कंप्रेसर कम हो चुकी है। हेड को खोलिए, इंजन को डाउन कीजिए और हेड को पूरा वॉश कीजिए। मैंने ये वाल्व जो है सब कुछ मैंने वॉश कर लिया है, वाल्व सील नया डाला है, ये वाल्व सील है, खोलने के बाद इसे नया डालना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर जो ये छेद है ये थोड़ा ख़राब हो जाता है, वाल्व सील ख़राब कट जाता है, वाइल आता है, आने के बाद पॉल्यूशन आने को चालू हो जाता है। तो इसका रीज़न ये ख़राब ज़्यादा होता है वाल्व सील, और इसे मैंने नया डाल दिया है, वाल्व की ग्राइंडिंग कर लिया है पूरा। अब मैं इस बाइक में फिट करूंगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह करते हैं काम और स्कूटी का कंप्रेसर इसी तरह लाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह कंप्रेसर से साफ रिलेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगर आप मैकेनिक हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटिव वीडियो लाते रहता हूँ और दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर भाई गुरु के साथ।